गई लड़ाई, हो गई लड़ाई। Hey, so hello guys, स्वागत है आपका मेरे चैनल सॉर्टेड राहुल व्लॉग्स पे। और गाइस, आज मैं आपसे अपनी रोडीज के ऑडिशन की पूरी जर्नी को शेयर करने वाला हूँ, और क्या मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको वीडियो में पता चल जाएगा। मैं 10-12 साल से रोडीज का फैन हूँ, मैं रोडीज देखता हूँ और मैं रणविजय सर के टाइम से देखता हूँ, आयुष्मान खुराना, देन उसके बाद बहुत सारे सीजन को फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। तो गाइस, आपको पता ना, देख देख के आपका भी कहीं ना कहीं एक अंदर से ड्रीम बिल्ड हो जाता है कि यार ये सब मैं भी कर सकता हूँ, ये सब मैं भी करना चाहता हूँ, और उन सबको देख के उनको अपना आप आइडल मानने लग जाते हो, है ना। तो वही मेरे साथ भी हुआ, मेरा भी इन्हें देख देख कर मेरा भी ड्रीम बिल्ड हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे भी रोडीज के अंदर जाना चाहिए, और पहले मैं इसलिए नहीं जा पा रहा था गाइस, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार, हर चीज देखी जाती है ना। जब सही नहीं लगा तो आज भी, लेकिन मेरे जब सारे क्वेश्चन टिक हो गए तो मुझे लगा कि मुझे अब रोडीज में ऑडिशन देकर आना चाहिए। कुछ नहीं तो अपनी एक विश तो पूरी होगी, राइट। जो मेरे गोल्स के अंदर एक लिस्ट है, उसमें से एक टास्क तो पूरा होगा। तो अब मैं आपको शेयर करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस गाइस। जैसे ही मुझे पता चला कि नोएडा इंडोर स्टेडियम में 13 तारीख को रोडीज के ऑडिशन होने वाले हैं, तो मैंने तब से ही सोच लिया था कि मेरे को जाना ही जाना है। मैंने अपने घर से लोकेशन सर्च मारी तो मेरे घर से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता था, तो मैं यहाँ से गया और 6 बजे वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बहुत ही ज़्यादा गाइस भीड़ लगी हुई थी, बहुत ही लाइन में लोग लगे हुए थे, एक से एक बंदा था वहाँ पे। तो इन्फ्लुएंसर्स थे, और इन्फ्लुएंसर से मैं मिला वहाँ जाके, भाई सारे इन्फ्लुएंसर्स इतने हम्बल थे ना, इतने अच्छे से मिल रहे थे, इतने अच्छे से बात कर रहे थे कि मुझे लगा कि यार वाकई में बहुत हम्बल होते हैं यार ये लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो देखकर। और सेकंड चीज, फिर जैसे कि आपने देखा होगा वीडियोस में भी, जो मैंने 2 वीडियोस बनाई है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उन दोनों वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया गाइस, थैंक यू। और उस वीडियो में आपने देखा होगा कि मन्नू भाई ने मेरे साथ ब्लॉग किया, जो कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, के में फॉलोअर है। और फिर वहाँ पे अपना हर्ष भाई मिले, सिंगा भाई मिले, अपना ध्रुव भाई मिले, प्रिया जुडोका जी जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है वो भी। तो गाइस सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और वाकई में ऐसी जगह थी यार जहाँ पे, जब देख आप सोचते हो ना कि जहाँ आपके जैसे लोग हों, जो आप करना चाहते हो वो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो अलग ही फील आती है यार, वो मैं आपको बता नहीं सकता कैसी फील आती है। अब बात करते हैं रोडीज जब के फॉर्म प्रोसेस की। तो जब मैं अंदर गया तो गाइस वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी, फिर धीरे 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 हम 6 बजे से लगे हुए थे, तो हमारा कोई 8-9 बजे के करीब हमें फॉर्म मिला। तो वहाँ पे फॉर्म में क्या होता है कि आपको एक कोड नंबर मिल जाता है आपका रोडीज का, है ना, जैसे आपने मेरा देखा होगा DEL 3558, है ना। तो ऐसे करके सभी को मिलता है, जो कि हमें अपने छाती पे लगाना होता है या फ्रंट पे अपने शो करना होता है। उसके बाद जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो फिर हमें रोडीज का फॉर्म मिल गया गाइस। तो हमें कुछ 12-13 क्वेश्चंस थे गाइस, तो उनका जवाब देना होता है। उनमें क्वेश्चंस होते हैं आपका डिफेंस डार्केस्ट सीक्रेट क्या है, आप रोडीज में क्यों आना चाहते हो, क्या आपने किसी को कभी धोखा दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो हमने सारा फॉर्म फिलअप कर दिया। उसके बाद उसके अंदर एक स्कैनर था जिसे हमने स्कैन करना था और फिर उससे कॉन्साइनी नंबर लेना था, वो कॉन्साइनी नंबर लेके हमने उसमें फिल कर दिया। तो भाई यहाँ तक की थी बात के फॉर्म मिल गया और फिलअप कर दिया। उसके बाद जैसे ही 1 बज जाता है तो रणविजय सर और सारे गैंग लीडर्स का एक शो वहाँ पे होता है, है ना। वो सभी आते हैं वहाँ पे और अपने अपने जर्नी के बारे में बताते हैं, वो क्या क्या करेंगे, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहेगी वो भी बताई। तो वो वीडियो आप मैंने बना रखी है, आप देख लेना। अब आगे चलते हैं गाइस। तो उसके बाद क्या हुआ, हम काफ़ी लेट हो गए उसके बाद, और जो ऑडिटोरियम था वो 15,000-20,000 लोगों से भरा हुआ था गाइस, उन लोगों को मैनेज ही नहीं किया जा सकता था, करा ही नहीं जा रहा था। तो इतने सारे लोग और 2 ऑलरेडी बज गए हैं, उसके बाद सबके ऑडिशन होने चालू हुए, तो टाइम बहुत ज़्यादा गाइस इसमें चला गया था। तो मेरा जो नंबर आया, मैंने देखा यार गाइस सिंगा भाई भी लाइन में लगे हुए हैं, अपना मन्नू भाई भी लाइन में लगे हुए हैं, अपने हर्ष भाई भी लाइन में लगे हुए हैं। तो एक होप मिलती है गाइस के इतने, मतलब इन्होंने एक एक शो किया हुआ है, ये ऑलरेडी सेलिब्रिटी हैं और ये भी लाइन में लगे हुए हैं, तो गाइस हम भी, फिर मोटिवेशन मिला हमें भी और हम भी लाइन में लगे रहे। तो ये पहली बात। और दूसरी बात, जो वहाँ पर फिर ऑडिशन का टाइम आया तो
आते 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 लोगों का होते होते अब टाइम हो गया था रात के 12:30। तो 12:30 बजे गाइस मेरा नंबर आया, सुबह 6 बजे से मैं गया हुआ हूँ और 12:30 बजे नंबर आया भाई रात को। तो यहाँ तक मेरा पेशेंस बहुत ज़्यादा टूट रहा था, बट मैंने कहा नहीं यार, जब आए हैं तो यार रोडीज कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी ना है, तो आए हैं तो भाई ऑडिशन दे के जाएंगे, जीडी दे के जाएंगे। तो जैसे ही जब हमारा नंबर आया तो हमें पता चला, तो मैं जीडी के लिए गया रूम में और वहाँ पे 10-12 लड़के जिनका एक साथ हो रहा था, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया हमसे जीडी में। एक क्वेश्चन दिया, सभी को आंसर करना था अपने अपने हिसाब से और शॉर्ट में आंसर देना होता है। तो उन्होंने पूछा कि अगर हम आपको रोडीज में लेते हैं तो रोडीज का क्या बेनिफिट होगा। भाई सबने अपने अपने आंसर दिए है ना, मैंने भी अपना आंसर दिया। उसके बाद ऑडिशन हो गया और हम बाहर आ गए, और जब बाहर आए तो ऑलरेडी रात के 2 बज चुके थे। मेरे को तो सच बताऊं तो मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि यार कि रोडीज में जाया जाएगा और लाइन में लग के मुझे वो फॉर्म मिलेगा। मुझे तो जब मैं लाइन में लगा रोडीज की और जब मैं आगे बढ़ा, फिर वो फीलिंग आ रही थी कि यार कि मैं कहाँ आ गया, और मैंने जो मैं देखता था, जो मैं मैनिफेस्ट करता था, आज मैं उसी लाइन में खड़ा हूँ, वही फॉर्म मेरी छाती पे लगा हुआ है। तो मेरे लिए तो सच बताऊँ वही बहुत बड़ी बात थी यार गाइस, वही मेरे लिए एक अचीवमेंट है। हाँ मेरे को वहाँ पे एक चीज़ और पता चली यार गाइस, जितने भी लोगों का सिलेक्शन वहाँ होता है जो आप देखते हो टीवी पे, भाई उनके कम से कम 5 से 6 बार इंटरव्यू हो चुके हैं। उन्होंने 5 बार 6 बार, किसी ने 8 बार, किसी ने 10 बार इंटरव्यू दिए हैं, उस लाइन में लगे हैं वो बार बार जाके। तो उससे उनको एक्सपीरियंस हो गया कि अब कैसे करना है और क्यों करना है। क्योंकि गाइस आज रणविजय सर ने भी ये बताया था कि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनके टाइम पे क्या था, इतने ज़्यादा लोग नहीं देखते थे रोडीज, कोई लिमिटेड उनकी ऑडियंस थी, तो जाना भी बहुत आसान इजी था। पहली बात तो रोडीज के ऑडिशन का पता ही नहीं चलता था, हो कहाँ रहे हैं, है ना, इतनी ज़्यादा जो उनको फॉलो करते थे वो लोग भी बहुत कम थे। तो ये बात तो फैक्ट है भाई, किसी को पता ही नहीं होता था और किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता। लेकिन अब जो 2-3 साल से इंटरव्यू हो रहे हैं, तो भाई उसमें जो सिलेक्ट होते हैं ना, एक तो मैं उनको शाउट आउट देना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते होंगे भाई वो लोग। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा और मुझे बहुत इससे भी मोटिवेशन मिली। अभी तो हमारा पहला ही था और मैं जीडी तक पहुंच गया, काफी लोग जीडी तक भी नहीं पहुंच पाते। तो उसके बाद और एक ऐसा इंसिडेंट हुआ यार वहाँ पे जो कि होना नहीं चाहिए था मन्नू भाई के साथ, वो मैं थोड़ी सी क्लिप है, वहाँ पे लड़ाई हो गई थी मन्नू भाई की, तो वो थोड़ी सी क्लिप मैं डाल दूंगा। तो भाई कैसा लगा आपको जब आपने देखा वो वीडियो? आई होप आपको बहुत बुरा लगा होगा, है ना, मुझे भी लगा बहुत बुरा। जो सिक्योरिटी है ना वहाँ की, उसको थोड़ा सोचना चाहिए था यार कि चीजें क्या हम अंदर ला सकते हैं, और आई तो कैसे आई, वो भी एक इशू। चलो होता रहता है। अब बात करते हैं गाइस, मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस वहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जैसे ही अगर आप GD2 के लिए क्लियर होते हो तो आपको आज ही कॉल आ जाएगा या फिर आपको नेक्स्ट डे कॉल आएगा। तो गाइज मुझे कॉल नहीं आई और GD2 के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट नो हार्श फीलिंग, हम नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। ऐसे भी लोग थे जो कि आज जिनको कॉल नहीं आया और वो चंडीगढ़ के लिए निकल गए, पूना के लिए निकल गए, और अब वो हैदराबाद के लिए भी जाएंगे। दीवानगी है भाई ये शो के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है यार। तो गाइज ओवरऑल मिला के मैं आपको बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा, बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और अब जो मेरे दिल की एक बात है, मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहता हूँ गाइस। जो अभी आप मुझे देख रहे हो, ये देख रहे हो गाइस मेरी हेल्थ और डोले शोले जो आपको दिख रहे हैं थोड़े बहुत, ये 1 साल पहले नहीं थे। मैंने अपना माइंडसेट बना लिया था अपनी चेकलिस्ट में रूडीज का, तो फिर उसके लिए क्या क्या करना होता है, मैं गाइस उस पर भी बहुत जल्दी मैंने काम करना स्टार्ट करा। मैं 1 साल रेगुलर अपने डाइट मेंटेन करता रहा, अपना खाना पीना मेंटेन करता रहा। मैं 47 kg मेरा वेट था अभी आप 1 साल पहले के, जो मुझे पुराने लोग फॉलो कर रहे हैं मेरे व्लॉग्स के थ्रू वो मेरी फिजिक देखेंगे, तो उनको पता है कि मैं कितना कितना मतलब स्किनी था। और वेट बढ़ाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था गाइस, लेकिन मैंने, होता है ना आपकी लाइफ में एक गोल आ जाता है ना जब गाइस, कि मेरी लाइफ में एक गोल आ गया था, तो मुझे फिर कुछ भी करके अपने अपीयरेंस को चेंज करना था,
जो कि मैंने वो किया। कुछ पाना है तो कुछ आपको सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ेंगे, राइट। तो और मैंने वो डिसाइड भी किया कि जो जर्नी मैंने 47 केजी से स्टार्ट की वो आज मैं 65 केजी तक हूँ। और मेरे को गाइज, मेरे को ये देखो, कई लोग, मैं भी और आप भी, आप में से कई लोग बॉडी बिल्डर या स्टेज पे नहीं जाना चाहते सीधा ही, उनको अपनी लाइफ में ऐसा भी बनना है, ऐसा दिखना है कि उनको क्लॉथ अच्छे हैं, कपड़े अच्छे लगे उनके ऊपर, वो फिट महसूस करें और थोड़ा सा अपीयरेंस उनका मतलब उनके लोगों में, उनके ऑफिस में और जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पे उनका अपीयरेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। तो क्या इस तरीके के भी लोग हैं। मेरा बहुत मन है कि मैं आपके साथ अपनी फिटनेस की जर्नी को शेयर करूँ। अब मैं सोच रहा था कि मैं इसके लिए अलग से एक चैनल बनाऊंगा, ठीक है। आप नीचे कमेंट कर देना, अगर मुझे एक भी कमेंट आ गया कि मेरे को वो चैनल और अपनी फिटनेस की जर्नी दिखानी है, एक भी कमेंट आ गया कि मैं वो चैनल खोल लूँ, तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में उस चैनल के बारे में बता दूंगा, या उससे नेक्स्ट व्लॉग में उस चैनल के बारे में बता दूंगा कि मैंने कैसे कैसे अपने वेट को गेन किया, अपने मसल मास बढ़ाया और कैसे मैं अभी इतना आपको अच्छा दिख रहा हूँ एक साल पहले से लेके और अभी तक। तो एक साल गाइस कंटिन्यू मैंने अपनी डाइट फॉलो की, अपने रूटीन बनाया, अपना रूटीन काम करने के बाद, उसके बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिला मैंने अपने जिम का एक टाइम रखा। तो गाइस ये सी चीज़ें करके मैंने अपनी बॉडी को टाइम दिया और फिर बॉडी, अब जिस चीज़ को आप टाइम दोगे वो चीज़ फिर होने लगती है। प्लस जो मेरा गोल था वो बहुत स्ट्रांग था और मैं आपका मेरा पूरा रूटीन दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैं वो करता हूँ। तो आप पूरा रूटीन देखना, अपने जिम का पूरा रूटीन दिखाऊंगा, किस टाइप की एक्सरसाइजेज मैं करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करता, मैं नॉर्मल एक्सरसाइज करता हूँ और जिससे मुझे रिजल्ट मिले। और मैं बहुत प्यार से आपको भी ये सिखा दूंगा और बता दूंगा, है ना गाइस। तो कहते हैं ना, जो चीज़ अगर आपने अचीव की अगर आप उसे शेयर नहीं करते तो फिर वो बेकार है, आपका पूरा एक्सपीरियंस बेकार है अगर आपने किसी के साथ वो शेयर नहीं करा, क्योंकि शेयर करने से चीज़ें बढ़ती है। और अगर मेरी वजह से कोई बंदा इन्फ्लुएंस हो जाए और अपनी फिटनेस पे काम कर ले, अपने गोल्स पे काम कर ले, तो मैं बहुत खुश होऊंगा गाइस। और जब तक के लिए भाई, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा रोडीज का मैंने बता दिया और एक नई अनाउंसमेंट भी कर दी, शायद आप लोग बहुत मेरा साथ दोगे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आई होप आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बाकी लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सॉर्टेड राहुल, तो उसको जाके फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं सारे जिम का कंटेंट बनाता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर अगर रोडीज का ऑडिशन आएगा हम फिर जाएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है गाइस, मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आम जहे मुटे भी ने खास पढ़ते हो आम जहे।